हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बालकनी गार्डन। आज मैं आपको अपने बालकनी गार्डन में रोहियो प्लांट के बारे में बताने जा रही हूँ। ये रोहियो का प्लांट देखने में बहुत ही खूबसूरत होता है और ये हैंगिंग पॉट में भी लगाया जा सकता है। और ये इसकी लीव्स बहुत ज़्यादा नाजुक होती है और छूते ही टूटने का डर रहता है। इसकी लीव्स नीचे से कुछ मैरूनिश और ऊपर से ग्रीन होती है। इसका ग्रोइंग पीरियड समर में होता है, जो कि मार्च अप्रैल से शुरू हो जाता है। विंटर में इसको शेड में रखने से प्लांट अच्छा चलता है। इसकी सॉइल में मैं एक हिस्सा मिट्टी, ये देख सकते हैं आप, इसकी सॉइल में एक हिस्सा रिवर सैंड, एक हिस्सा कोकोपीट मिलाकर प्लांट लगाने से बहुत अच्छा चलता है। इसमें ओवर वाटरिंग नहीं करनी चाहिए। जब पॉट की मिट्टी सूख जाए तभी इसमें पानी डालना चाहिए। पॉट और पॉट का ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए। अब आज इसमें इसका ये सूख गया है प्लांट, तो मैं इसमें वाटरिंग करूँगी। और ज़्यादा पानी देने से ये प्लांट ख़राब होने का डर रहता है। इसके लीव्स पर पानी ना पड़े तो अच्छा रहता है, क्योंकि कई बार पानी के प्रेशर से लीव्स टूट जाती है। ये समर ग्रोइंग प्लांट होने के कारण इसको धूप पसंद है। अगर इसको शेड में रखते हैं तो इसकी लीव्स के कलर में थोड़ा चेंज हो जाता है। इस प्लांट को बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। मैं इसमें साल में दो बार गोबर की खाद डालती हूँ और इसमें छोटे छोटे से वाइट कलर के फ्लावर भी आते हैं। हालांकि इस प्लांट में अभी फ्लावरिंग नहीं हुई हो रही है, जो कि देखने में बड़े खूबसूरत लगते हैं। इसमें मिली बग का अटैक का बहुत कम ही होता है। इसमें जो पत्तियाँ नीचे की ओर सूख जाएँ, जैसे ये पत्तियाँ सूखी हुई हैं, तो इनको निकालते रहना चाहिए। इनको सूखी पत्तियों को निकाल देना चाहिए, जिससे कि प्लांट बहुत अच्छा चलता है। और इसमें हम दूसरा प्लांट भी बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं। जैसे यहाँ से मैं इसको एक निकाल सकती हूँ और दूसरे प्लांट में लगाकर नए पौधे तैयार किए जा सकते हैं। इसमें दो प्रकार के पत्ते होते हैं, ग्रीन और रानी कलर। इसके अंदर जो फूल आता है उसमें भी उसका बीज होता है। यह प्लांट बीज से भी ग्रो होता है और कटिंग से भी। इस प्लांट की केयर की कोई खास ज़रूरत नहीं होती है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।